और कीड़ा भी ये देख सकते हैं आप लोग, ये कीड़ा देखिए कितना है मैं, कितना सारा कीड़ा है। बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ मैं, इतना ही बताएं आप लोग को, पूरा बर्बाद हो गया है। आप लोग सतुआ प्याज और लाल मिर्च का चटनी देख सकते। A few moments later. दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में आप लोग व्यस्त होंगे। आज बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ मैं, इतना टेंशन हो गया कि क्या बताऊँ आप लोग से, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, क्या ही बताएं आप लोग को, पूरा बर्बाद हो गया है। बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है, क्या बताएं आप लोग से, पूरा कीड़ा खा गए हैं। बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, पूरा कीड़ा बर्बाद कर दिए हैं। देखिए आप लोग से मैं क्या बर्बाद हुआ है और क्या मैं आप लोग से दिखाने वाली हूँ, ये देखिए आप लोग, देखिए आप लोग, ये देखिए पूरा एकदम आटा हो गया है, ये देखिए आप लोग, पूरा आटा हो चुका है, पूरा इसमें घून पड़ गया है, ये देखिए पूरा आटा हो गया है। इसमें हम लोग ये देखिए आप लोग क्या क्या हम लोग डाले हैं, लहसुन हम लोग डाले हुए हैं और इसमें लहसुन डाले हैं, दवाई हम लोग डाले हैं और सुरती भी हम लोग डाले हैं इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए, तभी भी ये नहीं बचा है। ये देखिए पूरा कीड़े ने बर्बाद कर दिया, पूरा कीड़े ने बर्बाद कर दिया, पूरा आटा हो गया है, ये देखिए आप लोग पूरा आटा हो चुका है, कीड़े ने पूरा खा गया है, पूरा कीड़ा खा गया है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितना ये हो गया। इसीलिए हम लोग ज्यादा टेंशन में है जी, पूरा कीड़ा खा गया है। ये सब आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग लहसुन रखे थे इसमें, ये देख रहे हैं कितना लहसुन रखे थे हम लोग इसमें, बहुत ज्यादा लहसुन हम लोग रखे थे, तभी भी नहीं बचा, फिर भी कीड़े ने पूरा खा गया, पूरा खा गया कीड़ा। धूप में हम लोग डाले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इसको फटक फटक के धरना पड़ेगा, धूप में डाले हैं इसलिए जो कीड़ा निकल जाएगा, धूप में डाले हुए हैं हम लोग के, इसमें से कीड़ा निकल जाएगा, घून निकल जाएगा, इसलिए हम लोग धूप में डाले हुए जो थोड़ा धूप लगा देते हैं जी, कीड़ा निकल जाए पूरा। ये देखिए कितना इसमें आटा हो गया है, पूरा पूरा एकदम आटा हो चुका है, ये देखिए आप लोग, ये देखिए पूरा आटा हो चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक सामान दिखा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं खाने के लिए, है ना? हाँ, ये देखिए आप लोग, ये देखिए इसमें था सत्तू यानी सतुआ, मकई का सतुआ, मकई का। हाँ, इधर देखिए अब चला रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, चल रही हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं आप लोग अब चला रहा है, चला जाएगा तो अब इसको हम लोग सान के खाएंगे, उधर उधर दिखाइए उधर, ये देखिए, ये देखिए इधर चटनी है, चटनी और प्याज काट के रेडी हो चुके हैं हम लोग, अब जा रहे हैं खाने के लिए। अभी देखिए अभी नमक भी ले लिए हैं, नमक पड़ेगा इसमें, क्या ही पता है बहुत धूप हुआ है ना इसके लिए, गेहूं के गेहूँ को पूरा कीड़े ने खा गया है, ठीक है, तो अब शाम को उसको बनाएंगे सब, तब जाएगा मशीन पिसाने के लिए, तब ना तब जाके होगा आटा, तब रोटी बनेगा, तब तक इसी से काम चला लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सान रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा सत्तू अब रेडी होने जा रहा है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिखता है, कितना सुंदर पीला। हाँ, ये देखिए सत्तू सना ही गया है लग रहा है ना, देख सकते हैं आप सना ही गया है,
ये देख सकते हैं आप लोग, रेडी हो चुका है। अब जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए। देख सकते हैं रेडी हो चुका है, देहाती खाना एकदम स्पेशल स्पेशल खाना है। देख सकते हैं आप लोग, सतुआ प्याज और लाल मिर्च का चटनी। देख सकते हैं स्पेशल खाना हो गया है, देहाती खाना हो गया है। चल रहे हैं खाने के लिए दोस्तों। देखिए आप लोग, ये चल रही हूँ अखा में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए कितना आटा हो गया है हमारा गेहूँ, ये देखिए। और कीड़ा भी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कीड़ा देखिए कितना है, मैं कितना सारा कीड़ा है, घून है घून। ये देखिए आप लोग, पूरा एकदम ये गेहूँ पूरा आटा हो गया है हम लोग का। ये देखिए पूरा आटा हो गया है गेहूँ हम लोग का, पूरा गेहूँ हम लोग का नाश हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया है गेहूँ। कितना कीड़ा इसमें निकल रहा है, ये देखिए कितना कीड़ा निकल रहा है, पूरा एकदम धूरा हो गया है। ये देखिए पूरा धूरा धूरा हो गया है। इसको बना लेंगे, उसके बाद इसको धोएंगे, धोने के बाद तब मशीन को हम लोग देंगे पीसने के लिए, तब ना खाएंगे, क्योंकि बहुत पूरा पूरा हो गया है। ये देखिए पूरा एकदम आटा, ये देख के एकदम इतना टेंशन हो जाता है। देख के इसमें हजारों को छेद कर दिए हैं घून, बहुत ज़्यादा छेद किया है इसमें, बहुत ज़्यादा छेद हो गया है, पूरा छेदे छेद इसमें कर दिए है गेहूँ में। आप लोग देख सकते हैं पूरा छेद।